हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आय और गरीबी में संबंध स्थापित करें। क्वेश्चन, यह क्वेश्चन अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में कई बार पूछा जा चुका है कि आय, आय का मतलब इनकम, जो आप कमाते हैं, जो मेहनत करके मजदूरी करके लोग कमाते हैं वो होता है इनकम, ठीक। और गरीबी मतलब पॉवर्टी, गरीबी, पैसा ना होना, कंगाली, पैसे की कमी में क्या संबंध है, रिलेशन है, उसी को स्थापित करना है, एस्टैब्लिश करना है। फिर समझो बच्चों, आय का मतलब होता है रुपया, जो भी कमाए आप, डॉलर में कमाए, रुपया में कमाए, जो भी कमाए, यूरो में कमाए, जिस चीज में भी कमाए, तो इनकम, इसे बोलते हैं बच्चों इनकम, इनकम। और गरीबी मतलब होता है पॉवर्टी, क्या होता है पॉवर्टी, पॉवर्टी, हाँ, जो पॉवर्टी होती है इसमें क्या रिलेशन है, संबंध स्थापित। बहुत ही आसान सवाल, बच्चे इसको रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं, रटना छोड़ दो, इस प्रश्न को रटना, लॉजिकली हम लोग तर्क के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो सीधी सी बात है, अगर किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ेगा, अगर इनकम बढ़ेगा बच्चों, तो ऑब्वियस ही बात है इसी गरीबी कम होगी, नहीं होगी? यस सर। अगर तुम्हारे पास अभी 10,000 रुपया हो, कल को इनकम बढ़ जाए, भगवान आप पर मेहरबान हो जाए और आपकी इनकम 50 लाख हो जाए, क्या हो जाए 50 लाख, तो क्या होगी, आपकी इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ा तो गरीबी क्या हुआ, गरीबी घटेगा ना, नहीं घटेगा, अरे गरीबी घट जाएगा, ऑटोमेटिकली गरीबी घट जाएगा। सुनिए, तो गरीबी बच्चों घट जाएगी। अच्छा सुनिए, ये तो हुआ एक केस, अगर आय बढ़ेगा, अगर आय इनकम बढ़ेगा तो गरीबी घटेगा, ये बात सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है, अगर इनकम बढ़ जाएगा तो गरीबी। उल्टा अगर बच्चों ऐसे हो, अगर ऐसे हो, ध्यान दीजिए इधर, कि इनकम जो है ना बढ़ने की चलते क्या हो जाए, घट जाए, तो गरीबी क्या होगी, यही तो है संबंध, रिलेशन उल्टा होता है। देखो बच्चों, अगर ये इनकम है, दिस इज योर इनकम, इनकम, और ये है क्या बच्चों, गरीबी, इसे पॉवर्टी क्या कहते हैं बोलो, पॉवर्टी, हाँ, पर सुनो ना, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे, सुने हो ना आप लोग, तो इनकम सुनिए, अगर इनकम घटेगी तो गरीबी बढ़ेगी, सीधी लॉजिकली बात है, और इनकम बढ़ेगा तो गरीबी घटेगी, उल्टा हो, रिवर्स, तो संबंध लिखेंगे, इसमें यह संबंध है, अगर किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ जाता है तो गरीबी घट जाता है, और किसी व्यक्ति का अगर इनकम घट जाए तो गरीबी बढ़ जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जैसे हम बता दें, जैसे ऐसे लिखेंगे संबंध इसमें, कि जो आय है ना, आय वित्त कर्मानुपाती होता है किसके, गरीबी के, किसके बोलो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो आय होता है इनकम, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। ध्यान दो, अगर गरीबी क्या हो गई, मान लो गरीबी जो है, गरीब है ना, गरीबी अगर मान लो बढ़ गया तो इनकम क्या होगा, अगर इनकम बढ़ गया तो गरीबी घट गया, तो यही तो रिलेशन है, यही क्या है, संबंध, कहा ना संबंध, जैसे आपके आपके पापा संबंध है, तो आपके पापा हुए, तुम उसकी पुत्री हुई या पुत्र हुए, जो भी हुए हो ना, तो संबंध तो यही है ना, इसी प्रकार बच्चों इनकम और गरीबी में यही संबंध है, और इसी को बच्चा क्या करना था, समझे बात, सिंपल दो शब्द है, इनकम पैसा आना, गरीबी का पैसा जाना, लॉस ही लॉस, घाटा ही घाटा, जो भी है वो भी बिक जाएगा, गरीबी, गरीब और गरीब हो जाएगा, हाँ, समझे बात, अगर इनकम घटेगा तो गरीबी का रेट को होगा, गरीबी की दर बढ़ जाएगी, और गरीबी, गरीबी मिटेगी, इसका मतलब इनकम, पहले जमाने देखो समझाते हैं, अभी 2021-22 में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं, 21 तो हो गया, 22 में प्रवेश करेंगे, हाँ, 2022 में क्या हुआ, पहले आदमी को ना 5 रुपया के लिए तरसना पड़ता था, 100 रुपया तरसना पड़ता था, ये सत्य बात है,
कभी कभी इंसान को 100 रुपया भी तरसना पड़ता था, लेकिन अब जो है डेट बदला है, अब है लोग को 100 रुपया कोई नहीं तरसता है, जो बात है तरसते हैं कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ लोग अभी भी हैं जिनको नहीं मिल पाता है, बड़े दुर्भाग्य की बात है, लेकिन अब जो है इनकम, अब जो लोग हैं लाख के लिए तरसते हैं, जो अब सामान्य इंसान है वो लाख रुपया के लिए क्या करते हैं, लेकिन अब 100-200 रुपया के लिए कोई बड़ी बात नहीं, सरकार भी उसे जो 400-500 रुपया वृद्ध होती है उनको क्या करती है अकाउंट में हर एक महीना क्या करती है देती है हेल्प करने के लिए। तो कहने का सेंस यह है कि अब दिनों दिन क्या हो रहा है, गरीबी और अमीरी का जो खाई है ना वो अब धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब सब लोग उत्थान कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने अपने लेवल से। पहले इतना अमीरी नहीं था, पहले इतना लोगों में बहुत गरीबी, दरिद्रता था, दरिद्रता इतनी थी कि लोग जो चुरा दही खिला करके ना, चुरा दही खिला दिया तुमको, तुम्हारा जमीन लिखवा देगा, समझे, एक दिन निमंत्रण दिया, चुरा दही खिला दिया, चलो आप साइन कर दीजिए अपना थी पर रजिस्ट्री पर, लोग साइन कर दिया, उसको क्या पता, लोगों के पास इतना अकल दूरगामी सोच नहीं था कि यार ये जमीन का वैल्यू ना अभी जो हम चुरा दही बेच रहे हैं 50,000 चुरा दही खा लेंगे उसी से, लेकिन इतना सोचता ही नहीं था। पहले तो पेट भरे तब ना लोग सोचता था कि पेट भरेंगे तब ना जिंदा रहेंगे, तो पहले लोग ऐसा ही करते थे, समझे बात, मतलब बहुत ही कम दामों पर जमीन की वैल्यू बेच लेते थे, लेकिन आज वही जमीन हीरा हो गया है, सोना हो गया है। बड़े कहने का इनकम सुनाया इसका रेट, तो फिर से समझ, इनकम घटेगा तो गरीबी बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो गरीबी घटेगा, ठीक है। तो यही रिलेशन है आय और किस में, बच्चों मैं ऐसा करता हूं कि आप ये संबंध स्थापित कर चुके होंगे और समझ चुके होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और परीक्षा में आप इसको भली भांति अपने शब्दों में लिख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अगले वीडियो मिलेंगे ऐसे ही कुछ मजेदार प्रश्न लेकर के, मतलब जिस तरह वीडियो में क्लियर हो जाता है ना, एक प्रश्न मैंने लिया और सब कुछ क्लियर हो गया, एकदम पूरा संबंध पूरा एकदम क्लियर क्रिस्टल हो गया, तो ऐसे ही होता है सोशल साइंस। एक प्रश्न को एक साथ डील कीजिए, उसको समझ लीजिए, फिर अगला नेक्स्ट, फिर इसको डील कीजिए, फिर नेक्स्ट, तो बच्चों यह सिलसिला चलता रहेगा। आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, ठीक है। बाय, जय हिंद, जय भारत।